जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, टिकटॉक पे ना काफ़ी बंदे मुझे पूछ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका है ना, वीज़े के लिए क्या करना चाहिए या कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो कई बंदे जो उसके ऊपर मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि यार मेरे पास 8 लाख है, मुझसे 6 लाख ले लो। भाई पहली बात ये है कि मैं कोई एजेंट नहीं, ना मैं कोई एजेंटी करता हूँ। मैं सिर्फ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। सही है कि भाई आपने ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, बाकी चलना अपने खुद है, करना अपने खुद है। आपको ये बता देता हूँ मैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे कैसे चाहिए ना। सबसे पहली बात यह है कि यार अभी जो है ना सिर्फ विज़िट वीज़े लग रहे हैं, उसके अलावा बिज़नेस वीज़े लग रहे हैं, उसके अलावा स्पाउस वीज़ा लग रहा है ना, रिलेटिव परमिट लग रहा है, जिसके ऊपर अगर आप फैमिली वीज़ा लग रहा है, मसलन अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन इधर है तो सही है, नहीं है तो अगर आपकी शादी इधर हुई है या किसी बंदे से शादी हुई है जो इधर रह रहा है, तो उसके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक भाई ने ना उसमें टिकटॉक में मुझे पूछा यार कि ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो जी भाई, बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। आप दुनिया के किसी मुल्क का भी वीज़ा अप्लाई करोगे, चाहे किस किस्म का भी वीज़ा अप्लाई करोगे, आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। तो आपको कम से कम 3 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और जो यार 7-8 लाख रुपए आप एजेंटों को देती हो ना, वही 8 लाख रुपए आप अपने बैंक में जमा करवाओ। सही है, तो बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, तो आप ऑनलाइन खुद अप्लाई करो, अपनी फाइल खुद तैयार करो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। तो आपका यार 20-25 हज़ार रुपया खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा जो है वो आपके टिकट के पैसे लगेंगे। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, साथ में आपको अपनी वो चाहिए, एक स्पॉन्सर लेटर चाहिए, चाहे कि दोस्त आए इधर या कोई भी है। स्पॉन्सर लेटर का मतलब है कि एक लेटर है, उसके ऊपर उसने वो लिखा हुआ है कि भाई ये बंदा मेरे पास आ रहा है, तो इसका सॉरी, अगर इसने जितनी देर भी इधर रुकना है उसका सारा खर्चा वो बंदा उठाएगा, खाना पीने का वो बंदा उठाएगा, उसकी रहायश रहायश देगा, ये होता है स्पॉन्सर लेटर। आपको वो ये चाहिए, और उसके अलावा आपको एक चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए मेरे भाई। उसके अलावा आपको मेडिकल, अपना मेडिकल करवाना है वो अपने करवाना है, ये विजिट वीज़े के लिए। उसके अलावा आपको एक चाहिए रिटर्न फ्लाइट टिकट आपको चाहिए विजिट वीज़े के लिए, वो अपने पहले से बुक करवा के जब आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने रिटर्न टिकट अटैच करनी है। रिटर्न टिकट क्यों अटैच करनी है? ताकि अगले बंदे को पता हो कि भाई बंदा सीरियस है और बंदा विजिट पे जा रहा है, बंदा विजिट पे जाके वापस भी आएगा, इसलिए आपको रिटर्न टिकट चाहिए। और आपने जो है वो गूगल पे जाके सर्च करना है VFS ग्लोबल ना, पाकिस्तान इस्लामाबाद, उनकी अपने वेबसाइट पे जाना है। उधर जाके आपने जो है वो वीज़ा टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जौन सा वीज़ा आपको चाहिए, और उसमें जाके आपने वो उधर ही आपको वो जो है ना वीज़ा फॉर्म भी आपको मिलेगा, अपने वो वीज़ा फॉर्म भी डाउनलोड कर देना है। उसके साथ वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब के रिक्वायर्ड, जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उधर से अपने रिक्वायरमेंट देख लेनी है, वो आपको एक पूरा कंप्लीट पेज ही मिलेगा, उसके ऊपर वो एक चेक लिस्ट बनी होती है। वो अपने जब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक लिस्ट पर कम्प्लीट कर लिए, जब वो कम्प्लीट हो जाने हैं, उसके बाद आपने जब वो अप्लीकेशन अपनी कम्प्लीट करके वो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, तो उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वो उसकी फ़ीस पता नहीं, मुझे याद नहीं है, $80 है कि कितनी है अभी, $70 है, वो पाकिस्तानी 10 हज़ार कुछ बनती है। वो आपने फ़ीस पे करनी है, वही जो है वो VFS वालों की भी वही फ़ीस है, और एम्बेसी की भी फ़ीस उसमें इंक्लूडेड है ना, उसमें शामिल है। तो वो अपने वो अपॉइंटमेंट ले लेनी है, उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक अपने जाना जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवा देने हैं। और एक और ज़रूरी बात यार, उसमें से ना उसके जो अपने वेबसाइट में जब अपने वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है, उसी के अंदर से आपने वो जो है वो मेडिकल रिपोर्ट आपने डाउनलोड करनी है। सही है, और एक बायोलॉजी क्या है रेडियोलॉजी का रिपोर्ट आपने वो भी डाउनलोड करनी है। जो आपने मेडिकल करवाना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, अपने अपना मेडिकल करवाना है, जो आपने वो मेडिकल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है ना उसकी VFS ग्लोबल की वेबसाइट से, उस रिपोर्ट के ऊपर आपने वेरीफाई करवाना है, स्टैंप लगवानी है, साइन करवाना है, और रेडियोलॉजी का रिपोर्ट भी जो आपने डाउनलोड करनी है ना वेबसाइट से, उसी रिपोर्ट को आपने वो प्रिंट निकाल के उसी के ऊपर आपने स्टैंप लगवानी है और वेरीफाई करवाना है।
अगर वो आप प्रिंट निकाल के वो नहीं जमा करवाओगे तो जो आपकी जो आपको वो मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो काबिले कबूल नहीं होगी। हाँ अच्छा यार वो, हाँ अच्छा यार वो जो आपको मेडिकल मिलेगा ना, मेडिकल रिपोर्ट और रेडियोलॉजी का रिपोर्ट जो भी आपको मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो आपने जो आप फॉर्म या पेपर वो डाउनलोड करोगे ना वेबसाइट से, उन दोनों के प्रिंट आपने वेरीफाई भी करवाने, वो भी अपने साथ अटैच करने हैं, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हाँ यार अगर और भी कोई सवाल हो आपके जहन में मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यार। कोई आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एजेंटों को जाओ जाके 5 लाख दो, 8 लाख दो, और वो भी दो नंबर तरीके से आप बॉर्डर जम कर के आओ और उसके बाद इधर इधर मुल्क में आके आपको फिर टेंशन बने। सही है ना, सही तरीके से आओ, अप्लाई करके आओ ताकि जब अगर आपका दिल करे अपने मुल्क जाने का तो जब भी चाहो आप जाओ आओ, कोई मसला ना बने। इधर आके फिर आपको सालम के लिए दौड़ना पड़ेगा, उसके अलावा उसके बाद फिर आपको यार वो पासपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा, वो ज़रूरत तो होगी। उसके अलावा फिर दोबारा इधर परमिट लगवाने के लिए जो भी है अपने लीगल होने के लिए आप दोबारा से फिर 3-4 लाख रुपया ज़ाया करोगे, ये 10-12 लाख आपको पड़िए था, उसका क्या फ़ायदा यार। आराम से सही तरीके से अप्लाई करो, सही तरीके से आओ, पैसे भी बचाओ, जलालत भी, खवारी भी बचाओ, मज़े करो। हाँ यार अगर कोई और भी सवाल है तो मुझसे पूछ लेना, आपका भाई हाजिर है। जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो हुआ भाई आपकी हेल्प करूँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यार मैं खुद अल्लाह का शुक्र है कि सही तरीके से आया हूँ, अप्लाई करके आया हूँ, कोई डंकी वगैरह नहीं लगाई, इसलिए मुझे पता है कि बंदा आ जाता है। और कल एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई पाकिस्तान पासपोर्ट वालों को तो एयरपोर्ट पे वो चढ़ने नहीं देते या अंदर जाने नहीं देते, मेरा भाई क्यों नहीं आने देते। सही तरीके से आओ तो सही, आप क्यों पाकिस्तान के पासपोर्ट का बदनाम कर रहे हो। सही तरीके से जाओ, इंसानों की तरह जाओ, वीज़ा अप्लाई करो, सही अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करो, वीज़ा लो आओ, क्यों नहीं आने देंगे, हमें नहीं आने देंगे। हमारे क्या वो पासपोर्ट का वो नाक बह रही है या उसका क्या वो उसके कान ख़राब है या उसका मुंह बिगड़ा हुआ है, सब कुछ सही है। सही तरीके से अप्लाई करो और सही तरीके से आओ। और हाँ यार अगर हो सके तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे वो बेल का वो निशान है उसके ऊपर भी वो बस वो दबा दो ताकि यार आपको मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो भाई को अप्रिशिएट करो, सपोर्ट करो। अब तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।